हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं शरत चंद्र रॉय की, दैट इज एस सी रॉय, राय बहादुर शरत चंद्र रॉय, या उनको और एक टाइटल भी मिला है केसरे हिंद बिकॉज ऑफ हिज सोशल वर्क दैट ही हैज डन फॉर द ट्राइब्स। उनको एक तरह से हम एक्सीडेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या नो ऑब्जेक्टिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट उनका इंग्लिश लिटरेचर में हुआ, फिर उन्होंने लॉ की डिग्री ली, फिर वो गए रांची, वहां पर उन्होंने इंग्लिश टीचर के तरह एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर वो एक लीगल इंटरप्रेटर रहे रांची के कोर्ट्स में, और तब जाके उनका आमना सामना हुआ ट्राइबल प्लाइट से, दैट इज ही अंडरस्टूड द प्लाइट ऑफ द ट्राइब्स एंड दैट इज व्हेन ही मूव्ड टू द एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन। आज हम स्टार्ट करेंगे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से ही, एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल सी द मेथोडोलॉजी, वी विल ऑल्सो सी हिज लेगेसी कि वो किस किस इंस्टीट्यूशंस में इम्पॉर्टेंट प्रेजिडेंट मेंबर इत्यादि रहे हैं, और उसके एंड में हम कंपेयर करेंगे रॉय एंड विद्यार्थी को, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था विद्यार्थी वाले, एंड उसके साथ ही हम बात करेंगे अनंत कृष्ण अय्यर की, जो उनके साथ फॉर्मेटिव फेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में एक तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द ट्राइबल कल्चर। तो जनरली इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है कि उन्होंने ट्राइबल कल्चर के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उसके साथ ही उन्होंने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, इंडियन फोकलोर के ऊपर, कास्ट सिस्टम के ऊपर, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल पॉलिसी के ऊपर, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी एंड ऑफकोर्स फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इन सारे एस्पेक्ट्स डोमेन्स में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा उन्होंने इमर्जेंस ऑफ मराठा के बारे में स्टडी किया है, रेशियल माइग्रेशन को स्टडी किया है, उन्होंने कल्चरल एथनोग्राफी को स्टडी किया है। सो ही हैज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड दैट इज व्हाई अपेरेंटली ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की, तो उनके जो मेन वर्क हैं उनको हम पहले देख लेते हैं, डिफरेंट ट्राइब्स को जो उन्होंने स्टडी किया है। अगर इंडिविजुअल ट्राइब के स्पेसिफिक चीजों की बात करें, तो उन्होंने जब मुंडा ट्राइब्स को स्टडी किया तो इट इज द फर्स्ट एथनोग्राफ मोनोग्राफ, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी नहीं किया था। कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने स्टार्ट किया हिल भुरिया ट्राइब्स को स्टडी करते हुए, वहां के हिल्स एंड प्लेन्स के ट्राइब्स को वो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और ये स्टडी वो उनके बेटे के साथ, दैट इज आरसी रॉय के साथ करते हैं, और पीसी रॉय जो उनके पोते हैं वो उनके म्यूजियम को संभालते हैं, वो चीजें हम आगे देखेंगे। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है, ओराओं की जो फर्स्ट बुक है उसका इंपॉर्टेंस ये है कि उसमें उन्होंने सबसे पहले यूथ डॉर्मेटरी, दैट इज उनका डुमकुरिया के ऊपर उन्होंने मेंशन किया है, और सेकंड बुक में जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिरहोर ट्राइब में, तो उन्होंने वहां पर 15 ईयर्स का फील्ड वर्क किया है, और उन्होंने एक प्राइमरी इन्फॉर्मेंट को चुना, उनके नोमैडिक लाइफस्टाइल को फोक टेल्स के थ्रू उन्होंने स्टडी किया है। एंड उनका जो लास्ट वर्क है खड़िया ट्राइब के ऊपर, वो भी दो वॉल्यूम्स में रिलीज होता है, एंड ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे एग्जॉस्टिव, सबसे साइंटिफिक एंड एलैबोरेटिव उनका वर्क है। उसमें उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया है खड़िया ट्राइब को 3 डिविजन्स में डिवाइड करके, और उनमें वहां पर उन्होंने जो सोशल एस्पेक्ट है उसके साथ फिजिकल एस्पेक्ट, एक तरह से कह सकते हैं सोशल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दोनों का कल्मिनेशन उसमें देखने को मिलता है। सो दिस वाज अबाउट हिज मेजर कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू द इंडिविजुअल ट्राइब्स। इनके इंडिविजुअल मोनोग्राफ्स के अलावा भी इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि वो उनके ओरिजिन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे इन अ वे कि फोकलोर से या उनके जो भी ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं उनके थ्रू उनके ओरिजिन को स्टडी करने की वो कोशिश करते थे। इसके अलावा वो ओराओंस के फेस्टिवल्स, इन सारे एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ताना भगत मूवमेंट हो, या कह सकते हैं कि उनके जितने भी श्लोक हैं या जितने भी लिटिल ट्रेडिशन के चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक सिविलाइज सोसाइटी को उन्होंने दिया है। इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ्स के अलावा उन्होंने रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने टॉपिक लिया है टोटमिज्म ऑफ द असुर ट्राइब्स, तो असुर ट्राइब्स के ऊपर उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डोमेन में भी काफ़ी काम किया है, वो हम आगे देखेंगे। उसके अलावा उन्होंने लेपचास के फ्यूनरल के बारे में, खोंड ट्राइब्स के ह्यूमन सेक्रीफाइस के प्रैक्टिस के बारे में, चाहे वो कोरकू ट्राइब के मेमोरियल टैबलेट्स के बारे में, इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, खासीज के किनशिप के बारे में, इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में भी उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जब उनका टिल्ट ट्राइबल कल्चर के टुवर्ड्स मूव हुआ, तब उनको समझ में आने लगा, ही स्टार्टेड सीइंग द गुड इन द ट्राइबल कल्चर, और वो ट्राइबल कल्चर को सुपीरियर मानने लगे थे। इनफैक्ट उनका कहना था कि भक्ति कल्ट का जो बीज है वो ट्राइबल कल्चर से ही, ट्राइबल सोल से ही हमको देखने को मिलता है। दिस इज समथिंग दैट ही हैज स्पोकन अबाउट। इसके अलावा वो काफ़ी सिंपथी रखते थे ट्राइबल कल्चर एंड उनके कस्टम्स के टुवर्ड्स, क्योंकि वो
स्पेशली आफ्टर द मैलिनोव्स्की अप्रोच दैट ही फॉलोज, तो वो हम मेथडोलॉजी में उनका सारा सीक्वेंस देखेंगे कि किस तरह से वो मूव हुए क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट टू मैलिनोव्स्की अप्रोच. ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की बात की ही है तो हम उनके अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की भी बात कर लेते हैं. उनका मानना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन से इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी होता है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ द ट्राइब्स. ही वॉज ऑफ द व्यू पॉइंट कि जो ट्राइबल कल्चर है या ट्राइबल सोसाइटी है उनको ना हमें आइसोलेट करना है ना उनको कंजर्व करना है. हमको कोशिश करनी है कि उनके चेंज में हम हेल्प करें एंड वो हेल्प मेनस्ट्रीम सोसाइटी और गवर्नमेंट के साथ से पॉसिबल होगा इन द फॉर्म ऑफ कि इंग्लिश एजुकेशन को हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए, जो लॉज हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनके राइट्स को हमें बताना चाहिए. उसके अलावा उनका मानना था व्हेन ही वाज अ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर तो तब उन्होंने जो है पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज को कंप्लीटली अपोज कर दिया था बिकॉज ही वॉज ऑफ द व्यू पॉइंट ही वॉज बेसिकली अगेंस्ट आइसोलेशनिस्ट अप्रोच एंड ऑल्सो द एसिमिलेशनिस्ट अप्रोच. इसके अलावा अगर हम देखें कि वो ट्राइबल ओरिजिन्स जो हैं एबोरिजिन्स उनको वो मानते थे कि माइनॉरिटीज की तरह उन्हें कंसिडर करना चाहिए जिनको स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए. इसके अलावा वो काफ़ी सारे जो ट्राइबल प्रॉब्लम्स थे उनको वो सॉल्व किया करते थे. एक तरह से कह सकते हैं कि उनको ट्रबल शूटर कहा जाता था कि कहीं भी किसी भी ट्राइब में पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उसको सॉल्व करने के लिए पहुंच जाते थे. फॉर एग्जांपल कि डांसिंग मीट के दौरान ओराउंस में दो क्लैंस के बीच में फाइट हो रही थी अबाउट द फ्लैग तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक को कह दिया कि आपने अगर ट्रेन चुना है तो दूसरे ने उसको एरोप्लेन चुनने के लिए उन्होंने कन्विंस कर दिया एंड इस तरह से उनके कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया. इसी तरह से मुंडा में परहा विलेज काउंसिल के और पुलिस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की. तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा वो करते थे एंड उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये रहा है कि उन्होंने ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने का काफ़ी मदद की है. एक तरह से कुरुकी जो लैंग्वेज है या मुंडारी लैंग्वेज है उसको वो खुद स्टडी करते थे क्योंकि उनका मानना था, ये हम मेथडोलॉजी में आगे और देखेंगे, कि लैंग्वेज को स्टडी करके आप कस्टम या कल्चर को बहुत बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं. आर्कियोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इतना एक्सट्रीम कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था लेकिन एक तरह से जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने एक लेक्चर लिया है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. तो ये उनका पहला लेक्चर था और ये भी पदवी उनके नाम जाती है कि एंथ्रोपोलॉजी का पहला लेक्चर लेने वाले इंसान भी एससी रॉय ही थे और पहला जर्नल स्टार्ट करने वाले इंसान जो फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल है 1921 में स्टार्ट हुआ था मैन इन इंडिया एंड वो आज तक भी कंटिन्यू हो रहा है. तो इफ यू रिमेंबर, इफ यू एनालाइज द ईयर 1921 तो 2021 अभी गया है तो क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस पर, तो इस पर थोड़ा वर्क कर सकते हैं आप. एंड आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट में उन्होंने चालकोलिथिक एज असुर साइट को बीच में रख के चालकोलिथिक एज एंड आयरन एज से उसको कंपेयर करते हुए उन्होंने बताया है एंड रांची के प्री हिस्टोरिक साइट्स को भी उन्होंने काफ़ी एक्सक्लूसिवली स्टडी किया है. इसके अलावा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में उन्होंने जितने भी ट्राइब्स हैं उनके फिजिकल मेजरमेंट्स को स्टडी किया है. जैसे हमने ऑलरेडी ट्राइब्स के इंडिविजुअल सेक्शंस में खड़िया ट्राइब्स का हमने देखा कि उनके फिजिकल मेजरमेंट्स को वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन कास्ट, रेस, रिलीजन, इंडियन कल्चर एंड फोकलोर, इन सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेटेड वे में देखेंगे. सबसे एस्टॉनिशिंग जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो हमारा पुरुषार्थ है उसमें जो लास्ट गोल है, द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट इज टू अटेन मोक्ष, उसको रिलेट किया है गोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के साथ और गोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है किनशिप विथ ऑल. सो एक तरह से दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कॉन्शियसनेस को या वसुधैव कुटुंबकम को या उस कॉन्सेप्ट को हम इंटीग्रेट करें. ठीक है, तो वो एक सबसे बहुत ही यूनिक बात उनके कंट्रीब्यूशन में जानने को मिलती है. और ये सारे व्यू पॉइंट्स जो हैं, तो पहले तो उन्होंने ट्राइबल कल्चर में ट्राइबल जो रिलीजन है, कस्टम है, उसको सुप्रीम मानने लगे थे एंड स्लोली ही मूव टुवर्ड्स रियलाइजिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कल्चर एंड दिस वॉज ड्यूरिंग द फेज ऑफ सोशो कल्चरल मूवमेंट जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो उस फेज के दौरान उनके भी थॉट्स में चेंज ये सब देखने को मिलता है. इसी तरह वो कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल राइवलरी हमको देखने को मिलती है एनिमल किंगडम की, उसको हमें रिप्लेस करना चाहिए यूनिवर्सल किनशिप में. तो दिस इज अगेन ट्राइंग टू ब्रिज द गोल्स बिटवीन द हिंदू कल्चर एंड द एंथ्रोपोलॉजी. इसके अलावा उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को स्टडी करने के लिए तीन पैरामीटर्स बताए हैं, कास्ट, रेस एंड रिलीजन. दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स थ्रू विच यू कैन स्टडी द इंडियन सिविलाइजेशन. एंड उनका अगेन मानना था, जैसे इरावती कारवे हैं और एलपी विद्यार्थी हैं दोनों की तरह, इनका मानना था कि जो हमारी एंशियंट बुक्स हैं वहां से हमें बहुत सारा खजाना एंथ्रोपोलॉजिकल डोमेन में देखने को मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल संहिताज जो हैं वो इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी का परफेक्ट एक तरह से कह सकते हैं
बुक है जिससे हम उन उन चीज़ों को जान सकते हैं। इसके अलावा पुरानास जो हैं वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को एंड सोशल कस्टम्स को स्टडी करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। एंड गृह सूत्रास जो हैं उनसे हमें कस्टम्स एंड सोशल रेगुलेशंस इन सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिल सकता है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें ट्राइबल कल्चर एंड इंडियन कल्चर को, दैट इज द यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोकलाइजेशन, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, इन एस्पेक्ट्स में भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ओराओं का जो टोटेमिक क्लैन है उनमें से एक जो क्लैन है वो हनुमान जी को जो है डेटी अपना मानता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक तरह से कॉन्टिन्यूम, ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम को भी हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा उनका मानना है कि फोकलोर को जब आप स्टडी करते हैं, फोकलोर से मतलब है कि जो भी आपका फोक रिलेटेड कस्टम है, ट्रेडिशन है, अब्यूजेस हैं, वो सारी चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं इट शोज द जीनियोलॉजी, उससे हम ट्रेस कर सकते हैं जीनियोलॉजी को, उससे हम जान सकते हैं इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन किस तरह से ह्यूमन का हुआ है। तो वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द फोकलोर, दैट इज द कल्चरल एस्पेक्ट, विद द एवोल्यूशन एस्पेक्ट ओवर हियर। और इसी तरह से सिक्स्थ ओरिएंटल कांग्रेस में उन्होंने फोकलोर की सीक्वेंशियल स्टडी को भी स्टडी किया है। एक और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो उनके नाम जाता है कि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिव बनाने की काफी कोशिश की है थ्रू हिज एनसाइक्लोपीडिक स्कॉलरशिप एंड द वे ही डिड एनालिटिकल अप्रेजल ऑफ द सब्जेक्ट। जब भी वो स्टडी करते थे सब्जेक्टिव से ज्यादा वो ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट को ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करते थे, जिससे वो साइंस का एलिमेंट जो हमारे एंथ्रोपोलॉजी में है वो हमें देखने को मिलता है, रैदर देन इट बींग कम्प्लीटली अ सोशल सब्जेक्ट, इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ मोर साइंस, सोशल साइंस। ये सारी चीजें करने के बाद वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ रीडर होते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, लेक्चरर होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में। उसके अलावा उनका जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एक रहा है कि उन्होंने एक होल जेनरेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हमारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को दिया है, नेमली एन के बोस हो गए, आपके एस एस सरकार हैं, डी एन मजूमदार हैं, ये सारे उन्हीं की देन है। अच्छा, और एक अच्छी बात जो उन्होंने की कि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को इतना पॉपुलराइज कर दिया उनकी जर्नल के थ्रू अन्य रीडर्स के बीच में कि एंथ्रोपोलॉजी बिकेम लाइक अ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। और यहां पर मैं उस कंपैरिजन को बता देती हूँ अनंत कृष्ण अय्यर एंड रॉय के कंपैरिजन में, अगर हम बात करें कि दोनों जो हैं जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं ब्रिटिश इंडिया में, और ऐसे डिसिप्लिन को ग्रो करने के लिए दोनों लग जाते हैं जिसका ना कोई इंस्टीट्यूशन है ना कोई सिलेबस है, उसको ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर लग जाते हैं। एंड इसी बेसिस के या इसी दौरान उनका जो है फॉर्मेटिव फेज में उनका काफ़ी रोल देखने को मिलता है, और वही जो है एकेडमिक एंथ्रोपोलॉजी को स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग एंथ्रोपोलॉजी इन टू द डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी। में अगर हम बात करें तो उन्होंने कुरुखी एंड मुंडा लैंग्वेज को स्टडी किया है, सो ही न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग अ लोकल लैंग्वेज टू स्टडी द लोकल पॉपुलेशन। उन्होंने फील्ड वर्क काफी किया है, जैसे 12 ईयर्स फॉर द मुंडा हिज फर्स्ट बुक, 15 ईयर्स फॉर हिज नेक्स्ट बुक ऑन बिरहोर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा उनका बहुत अच्छा एक तरह से रुझान था, एटीट्यूड था कि वो लोकल डेटा को काफ़ी कलेक्ट करें, वो रजिस्टर्स बनाते थे इंडिविजुअल तालुका डिस्ट्रिक्ट वगैरह के, ताकि वो हर डेटा को बहुत ही मिनिस्क्यूल वे में उसको बता पाएं। इसके अलावा उनका जो व्यू पॉइंट था इट वॉज मोर रिलेटेड टू द ट्राइबल व्यू, वर्ल्ड व्यू, एक तरह से कह सकते हैं कि इट वॉज मोर ऑफ अ एमिक अप्रोच उनका जो था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनकी है कि वो एक प्री मेलिनोस्किन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, इन द सेंस कि वो डिफ्यूजन एंड कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट स्कूल को ज़्यादातर मानते आए हैं। जैसे उन्होंने जब ओराओं के कल्चर को डिफाइन किया तो उन्होंने एग्जैक्टली टाइलर के ही कल्चर के डेफिनेशन को बताया है, जब उन्होंने ओराओं के टोटम्स के बारे में बताया है तो उन्होंने फ्रेजर का व्यू पॉइंट लिया है। उसी तरह से अगर हम देखें मॉर्गन के क्लासिफैक्टरी किनशिप को उन्होंने यहाँ पर अपने वर्क में यूज़ किया है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स में इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बैचलर्स हॉल जो है वो एक सर्वाइवल कॉन्सेप्ट है और सैवेजरी स्टेज का, तो उसको उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो दिस वे ही इज़ मोर ऑफ अ क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट अप्रोच, एंड डिफ्यूजनिस्ट भी कहीं कहीं उनके अप्रोच में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारा वर्क जो उन्होंने किया है उनकी ओराओ जो फर्स्ट बुक है ओराओ के ऊपर 1915 में, वहां तक उनका ये अप्रोच देखने को मिलता है। उसके बाद जो उनका शिफ्ट होता है और ओराओ के ऊपर जो उन्होंने 1928 में सेकेंड बुक लिखी होती है उसमें उनका ऑब्जर्वेशन, दैट इज मेलिनोस्किन अप्रोच, फील्ड वर्क अप्रोच, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो देर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन हिज मेथडोलॉजी बिफोर एंड आफ्टर। सो यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि जिस तरह से क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि लीनियर फैशन में आपका एवोल्यूशन होता है, बहुत ही यूनिलीनियर एक तरह से आपका एवोल्यूशन है, लेकिन वो उसके क्रिटिसिज्म को समझते हैं कि लीनियर नहीं होता है, क्योंकि जब भी कल्चरल प्रोग्रेस होता है तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वो प्रोग्रेस हो,
रिग्रेशन भी पॉसिबल है एंड डिफ्यूजन भी पॉसिबल है. सो उस क्रिटिसिज्म को समझते हुए फिर वो मूव करते हैं मेलिनोस्किन स्कूल ऑफ थॉट में. सो ही इज रिलेटेड टू मेजरली थ्री इनिशियल स्कूल्स ऑफ थॉट. एंड क्योंकि ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट इनिशियल फेजेस में हैं, तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के भी फॉर्मेटिव फेज में उनका काफी योगदान रहता है, स्पेशली विथ अनंत कृष्ण अय्यर. और वो इंडोलॉजिकल रिसर्च को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. उनका कहना होता है कि वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स जो हैं उससे हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी नहीं कर सकते. वी हैव टू डेवलप आवर ओन कॉन्सेप्ट्स. और उसको स्टडी करने का तरीका ये है कि हम अपने इंडियन एंशियंट वर्क्स को स्टडी करें, जैसे संहिता, पुराना, एक्सेट्रा. तो ये उनका रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो वो फॉलो करते हैं अपने वर्क कंक्लूड करने में. तो अगर उनकी लेगेसी की बात करें तो ही वॉज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु हैड अ ग्रेट लेगेसी इंटरनेशनली, नेशनली एंड ऑल्सो लोकली. तो इंटरनेशनल रिफ्यूट के तो जो है आपके विद्यार्थी भी थे. विद्यार्थी वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ ICAES इन 1978. लाइकवाइज रॉय वॉज द मेंबर ऑफ ICAES. इसके अलावा वो मेंबर थे फोकलोर सेक्शन ऑफ लंडन के भी. तो ये इंटरनेशनली उनके डोमेन्स थे. अगर नेशनली बात करें तो वो मेंबर रह चुके हैं एंथ्रोपोलॉजी के डिपार्टमेंट के, इंडियन साइंस कांग्रेस के, ऑल्सो ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के. इसके अलावा वो लोथियन कमेटी, जो इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी है, उसके भी मेंबर रह चुके हैं. ये सारी चीज़ें वो नेशनली रहे हैं. एंड इंडियन साइंस कांग्रेस ने उनको नवाजने के लिए एक उनके 70th बर्थडे पे, हालांकि उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक एसे का कलेक्शन उनको समर्पित किया था. सो दिस इज व्हाट हिज नेशनल रिफ्यूट इज. एंड अगर लोकली बात करें तो बिहार के वो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो रहे ही हैं. उसके अलावा भी बिहार एंड उड़ीसा की जो रिसर्च सोसाइटी है उसके स्टार्टिंग से वो उसके जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं. एंड इस तरह से उन्होंने और भी अन्य काफी, जैसे बंगाली गर्ल्स स्कूल है, इन सारे जगहों पर भी उनका काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है. अगर उनके फर्स्ट की बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एथनोग्राफर, फर्स्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फादर ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी अकॉर्डिंग टू हट्टन. तो इस तरह से. एंड ही वॉज द फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ पटना म्यूजियम ऑल्सो. तो वो एक ऐसा म्यूजियम है कि वो लाइब्रेरी का म्यूजियम है, उसमें उनकी चीजें भी काफी ज्यादा हैं. एंड इट वॉज लाइक अ फैमिली थिंग. तो उनकी जो डॉटर्स हैं वो संभालती थी, और अभी जो हैं उनको संभालने वाले उनके ग्रैंड सन हैं, दैट इज पीसी रॉय. ठीक है, तो आरसी रॉय के साथ उन्होंने काम किया है हिल भुरिया ट्राइब्स में, और पीसी रॉय जो है उनके म्यूजियम को संभालते हैं. लेकिन आज जो है उनकी म्यूजियम की बहुत बुरी हालत है. रांची यूनिवर्सिटी इज डूइंग नथिंग अबाउट इट. सो ये एक चीज आप अगर आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इसको बता सकते हैं कि ये करना चाहिए कि उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको अलाइव रखने की जरूरत है. एंड टूवर्ड्स द एंड अगर हम बात करें रॉय एंड विद्यार्थी को कंपेयर करते हुए, तो रॉय जो है बहुत ही लिमिटेड एरिया में वो काम करते हैं, स्पेशली सदर्न बिहार, दैट इज नाउ झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. दिस इज हिज एरिया ऑफ स्टडी. लेकिन विद्यार्थी जो हैं पैन इंडिया वो काम करते हैं. जैसे नॉर्थ में अगर हम बात करें बद्रीनाथ को वो स्टडी करते हैं, और साउथ में आपके रामेश्वरम, ईस्ट में मेघालय से लेके वेस्ट में द्वारका तक उनका जो है स्टडी देखने को मिलता है. सो दिस इज वन. एंड द सेकेंड वन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनके जो दोनों ही इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं एक तरह से. एक प्रेसिडेंट रहा है, जैसे विद्यार्थी जो हैं क्योंकि वो लेटर फेज में आए तो वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ICAES के, और ये सिर्फ मेंबर रहे हैं. एंड इसके अलावा अगर हम उनके सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों जो हैं बिहार के एक तरह से जेम्स हैं, और रांची में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है. और जो उन्होंने जो अनएक्सप्लोर्ड डोमेन्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के उनको काफ़ी हद तक स्टडी किया है, और काफ़ी ज़्यादा हमें यंग रिसर्चर्स को एंथ्रोपोलॉजी को उन्होंने उन्होंने दिया है. तो उनकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देन रही है. सो दिस वॉज अबाउट SC रॉय, द फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी. इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आए, जैसे मैंने ऑलरेडी मार्क्स वाले हमारे बैच में भी पूछा था कि क्या हम MN श्रीनिवास को भी किसी तरह से फादर की पदवी दे सकते हैं किसी न किसी डोमेन में, एक्सेट्रा, इन एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन आ सकता है. अदरवाइज SC रॉय का इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है, उनकी किसी एक पर्टिकुलर बुक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड ऑन SC रॉय. एंड ऑल्सो बिकॉज मैन इन इंडिया जर्नल 2021 में 100 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन दीज लाइन्स. And I will see you with another anthropologist. Mostly it will be Anant Krishna Iyer. And I will see you next time. I hope you are liking the videos. अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो comment करके appreciate भी कर सकते हैं. कोई queries है तो पूछ सकते हैं, suggestions दे सकते हैं. And like, share, comment, subscribe ये सारी चीजें कर लीजिए. And I will see you next time. Bye.